पहले तो अच्छी मूवी मिलती नहीं, और मिल भी गई तो वो हिंदी में नहीं होती। इसी प्रॉब्लम को पकड़ा है नेटफ्लिक्स ने। क्या बोलती पब्लिक, पैसा वसूल? कोई बॉलीवुड का रेफरेंस नहीं, ना ही कोई रीजनल लैंग्वेज का फेक एक्सेंट, और रात भर सो ना पाओ ऐसा कॉन्सेप्ट। अभी का रिव्यू हम करेंगे नेटफ्लिक्स के बड़े से हिंदी डबिंग समंदर में से 2021 और 22 की टॉप 10 मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। इसकी मार पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। इस तबाही को रोकने के लिए आइस पर स्केटिंग करके 6 सोल्जर्स को 2 कैप्सूल पहुंचाने, एक सुसाइड मिशन है कनक। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में रिलीज हुई ब्लैक क्रैब्स, आइस के ऊपर स्केटिंग करके जो एडवेंचर जर्नी दिखाई है भाई साहब, ये सिर्फ जंग खत्म नहीं करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। काफी टाइम बाद ना यूनिक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एनवायरनमेंट देखने मिला। हजारों की तादाद में बर्फ के नीचे इंसान फ्रोज हो चुके हैं। मिशन पूरी तरह इम्पॉसिबल है। फर्स्ट हाफ देख के आपको लगेगा कि ये मूवी ऑफ द ईयर है। सेकंड हाफ में ऐसा लगता है डायरेक्टर ही बदल डाला। मूवी के साथ आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार चल क्या रहा है, और तब इसका 2 आवर्स का लंबा लेंथ फील होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई है, एक बार जरूर आप इसे अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करना। एक पार्ट टाइम स्ट्रिपर शॉर्टकट के चक्कर में एक बड़े भसड़ में फंस जाती है। Stop. एक ऐसी क्राइम ड्रामा जो आपको स्ट्रिपर, प्रोस्टिट्यूशन, इनकी दुनिया में ले जाकर एकदम खुल्लम खुल्ला न्यूडिटी सेक्स के साथ हमारे नजरिए को बदलने की कोशिश करेगी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट एडल्ट क्राइम डार्क कॉमेडी सिर्फ 1.5 घंटे की ज़ोला। मूवी एकदम बिंज वॉच की तरह है। आपको इसमें वाव मोमेंट्स कम मिलेंगे, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला है आपको घर का कोना पकड़ के देखना होगा। मूवी बहुत ही ब्रूटली रॉ है। प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में कैसे ज़ोला फंसती है वो देखकर आपको उसके लिए फील जरूर होगा। कुछ कैरेक्टर है जो इतने इंटरेस्टिंग मूवी में बीच बीच में आकर मुझे बोर कर रहे थे। इन सब के बावजूद मेरे हिसाब से 100% मस्ट वॉच मूवी है। कुछ मूवीज ऐसी होती है जो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में घुसती है, और खत्म होने के बाद आप पूछते हो अपने आप से, ये मूवी कहना क्या चाहती है और मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की साइकोलॉजिकल ड्रामा द लॉस्ट डॉटर। साइकोलॉजिकल मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ट्रेलर भी मत देखना। जेक जिलेनहॉल की सिस्टर मैगी जिलेनहॉल इसकी डायरेक्टर है, और इसने मजबूत मैजिक चलाया इस मूवी में। ओलिविया कोलमैन की क्या बाप लेवल की एक्टिंग है। साइकोलॉजिकल मूवी में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं खुद को पूछता हूँ बार बार कि ये मूवी मैं देख क्यों रहा हूँ। मूवी इस तरह से हुक करती है, आपको किसी भी हाल में जानना होता है कि लीडा के पास्ट में उसकी डॉटर के साथ हुआ क्या। मूवी में 2-3 जगहों पर सेक्सुअल और मास्टरबेटिंग सीन्स है। अच्छी एक्टिंग और डायरेक्शन की वजह से 2 आवर्स लंबी ये मूवी आपको बोर बिल्कुल नहीं करेगी। हाईली ट्रेन्ड चोरों की टीम बनानी और दिन दहाड़े पूरे यूरोप पे डाका डाल, क्या ये किसी फिल्म की तरह है जहां हम सब टैलेंटेड लोग मिलकर धूम मचाएंगे और फिर सुमड़ी में गायब हो जाएं। पूरे स्टाइल और स्वैग में 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ आर्मी ऑफ थीव्स। लीड एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही एक है, मैथेस क्वेस्कोर्को। नाम जितना डिफिकल्ट है, सेफ के ताले भी उतने ही डिफिकल्ट है खोलने के लिए। And... मूवी आर्मी ऑफ दी डेड का प्रीक्वल है। पहली बार ऐसा हुआ है लोगों को प्रीक्वल ज्यादा पसंद आई है, लेकिन यार एंडिंग में जान दो स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी में बस एक ही किसिंग सीन है, उसके अलावा तो कुछ एडल्ट लगा नहीं। 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। नॉर्थ पोल में माइनस के टेम्परेचर में 2 आदमी एक मैप को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देते हैं उम्मीद के नाम। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड हिस्टोरिक एडवेंचर जर्नी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ अगेंस्ट द आइस। मूवी में जो कुछ भी ये सर्वाइवल के लिए करते हैं वो सब देखने के लिए आप में जिगरा होना चाहिए। सबके लिए बिल्कुल नहीं है, सर्वाइवल फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है। कई लंबे लंबे कॉन्वर्जेशन कैरेक्टर बिल्डअप के लिए 1 आवर 43 मिनट्स फील करवाते हैं, लेकिन सर्वाइवल के सामने कैसे इंसानियत घुटने टेकती है। अपने एम को पूरा करने के लिए यही गिरा हुआ इंसान किस लेवल तक जा सकता है। एकदम मिक्स इमोशंस के साथ ये मूवी आपको एंड में सेटिस्फाई जरूर करेगी। थोड़े वॉयलेंट सीन्स के अलावा कुछ भी एडल्ट नहीं है, सर्वाइवल फैंस के लिए 100% मस्ट वॉच। कुछ मूवीज के लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत होती है। आपका स्ट्रेस बस्टर बन सकती है अगली मूवी। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ फील गुड फैमिली ड्रामा रेस्क्यूड बाय रूबी। रूबी को पुलिस का सर्च एंड रेस्क्यू डॉग बनाना है। ये वही मस्तीखोर किसी का ना सुनने वाली रूबी है जिसे 6 बार ओनर्स ने रिटर्न कर दिया। मूवी बहुत ही क्यूट, स्वीट और इंस्पायरिंग है। अगर आप एनिमल लवर्स हो तो आगे सुनने की भी जरूरत नहीं, पहले जाके इसे देख लो। लेकिन 1 आवर 30 मिनट्स की मूवी है सिर्फ, फिर भी इसका लेंथ फील होता है। मूवी कुछ जगहों पे इमोशनल सीन्स लंबा खींच लेती है, इसके बावजूद मूवी अपने क्यूट मोमेंट से आपको सिर्फ एंड तक बांध के नहीं रखती है, लेकिन आपको इमोशनली टच जरूर करेगी। चोरी कोई और करता है और फंसता हमेशा अपना हीरो है। इन शॉर्ट, चोर की मदद लेकर चोर को पकड़। चोर पर भरोसा,
भारी पड़ सकता है। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ एक्शन थ्रिलर रेड नोटिस। ड्वेन जॉनसन की मूवी है तो उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज रहता है, लेकिन हमेशा की तरह हर जगह तबाही मच रही है, अपने हीरो का बाल भी बाका नहीं होता। किसी ने नहीं देखा चेस सीन, ट्रेजर हंट और बहुत सारी कॉमेडी, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग और एक फैमिली मूवी के लिए चाहिए ही क्या होता है। टॉप 3 मूवीज से पहले आपके स्क्रीन पर हमारे लास्ट हिंदी डब नेटफ्लिक्स मूवीज की लिस्ट है। सभी हिंदी डब मूवीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मिल जाएगी। आप अगर टाइम ट्रैवल करते तो अपने 12 साल के खुद को क्या कहते? हमने टाइम ट्रैवल वाली कुछ ज्यादा ही फिल्में देखी थी। मैं तो सीधा स्टॉक्स या क्रिप्टो में पैसा डालने बोले, लेकिन एडम है हॉलीवुड का हीरो तो वो फ्यूचर बचाएगा। साइफाई एडवेंचर 2.5 घंटे लंबी हाल ही में रिलीज हुई द एडम्स प्रोजेक्ट। देखो यार, मूवी में साइफाई को लेके फेकम फाकी बहुत ज्यादा है और ये हॉलीवुड की हर दूसरी साइफाई मूवी का इशू है, लेकिन अगर आप कोई विजुअल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ऐसी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी जिसमें दिमाग कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, चेस सीन, एक्शन और रैन रनल की कॉमेडी, तो आपके और आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट हिंदी डब मूवी है। एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती से टकराने वाला है, सुनामी आएगी, धरती खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये न्यूज आने पर दुनिया का क्या रिएक्शन है? पहले हम शांति से बैठेंगे, फिर सिचुएशन को समझेंगे, परिस्थिति को ऐसे ही आंकते हैं। पॉलिटिकल सटायर ड्रामा 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की डोंट लुक अप। सच है वो आ रहा। मूवी अपने तीखे और कटाक्ष सिनेरियो, डायलॉग और कई सारे बोल्ड रिलेटेबल सीन्स की वजह से आज के टाइम की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, दुनिया कैसी हो रही है वो दिखाकर आप ही को कभी कभी अच्छा और बुरा दोनों फील करवाती है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से लेकर पॉलिटिक्स के बड़े पोस्ट पे बैठे हुए चोमू लोग हर एक सिचुएशन को कितने प्योर और रियलिस्टिक तरीके से दिखाया। एक्टिंग में तो जैसे सब में कॉम्पिटिशन लग गई है, मैं तेरे से अच्छा करके दिखाऊंगा। डायलॉग्स कुछ फैमिली के सामने अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बस इस मूवी का 2 hours 15 minutes इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा लंबा था। अगर आपको टॉप क्लास की एक्टिंग डार्क कॉमेडी के साथ देखनी है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 1 की मूवी को आप ऑलमोस्ट परफेक्ट मूवी कह सकते हैं। मूवी के बाद एंड्रयू गारफील्ड आपका फेवरेट स्पाइडरमैन नहीं लेकिन फेवरेट एक्टर हो सकता है। अपने 30th बर्थडे के पहले जोनाथन को अपना सपना पूरा करना है। क्या वो एक सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर बन सकता है? ये जर्नी आपको ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी के साथ आंखों को तो सुकून देगी ही, लेकिन अपने म्यूजिक के साथ आपके कानों को भी सुकून मिलेगा। पहली बार मूवी से ज्यादा एक्टर अच्छा लगा है मुझे। मूवी सभी के लिए नहीं है, अगर आपको ला ला लैंड पसंद आई है तो उस लेवल का नहीं, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड की एक्टिंग आपको जरूर एंड तक बांध के रखेगी। अगर आप भी कभी अपने लाइफ में करियर को लेकर कंफ्यूज थे, मूवी आपको बहुत ही स्ट्रांगली हिट करेगी। 2 hours लंबी 2021 की टिक टिक बूम। एम करते हैं 17 के लाइक्स का हिंदी डब नेक्स्ट पार्ट के लिए। हॉलीवुड की कुछ हटके सर्वाइवल मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।